हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी अमृत आनंद। कैसे हो आप लोग? तो यार, आज इस वीडियो में हम लोग विप्रो में ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि विप्रो में ऑनबोर्डिंग कब होगी, विप्रो की ज्वाइनिंग कब होगी। काफी सारे लोग हैं यार जो विप्रो में ज्वाइनिंग का, विप्रो के ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। खास करके मुझे तब मालूम चला जब मैं विप्रो से रिलेटेड दो वीडियो अपलोड किया। फर्स्ट वन इज की वॉच दिस वीडियो बिफोर ज्वाइनिंग विप्रो, एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट इश्यू इन विप्रो। ये दो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे काफी सारे कमेंट आए कि विप्रो की ऑनबोर्डिंग कब होगी, विप्रो की ज्वाइनिंग कब होगी। हम लोग वेट कर रहे हैं विप्रो के ज्वाइनिंग का, विप्रो के ऑनबोर्डिंग का। और खास करके जब मैं इंस्टाग्राम पर रील डाला विप्रो से रिलेटेड ही अपने, तो वहां भी सेम क्वेश्चन आया मुझे, मेरे डीएम में आया कि विप्रो की ऑनबोर्डिंग कब होगी, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। ये सारे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब मैं अपने ऑफिस से टाइम निकाल करके ये सारे वीडियोज बनाता हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग अगर सब्सक्राइब तक नहीं करते हो चैनल को, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सब्सक्राइब करो, कम से कम बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग भी विप्रो के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनको ये फटाफट वीडियो शेयर भी करते जाओ। तो यार आज वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते। तो काफी सारे लोग हैं यार जो विप्रो के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, विप्रो के ऑनबोर्डिंग का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब विप्रो ज्वाइन कराएगी, या विप्रो छोड़ो बहुत सारी ऐसी दूसरी भी कंपनीज हैं जिसके ज्वाइनिंग का, जिसके ऑनबोर्डिंग का बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि वो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग कब कराएगी। मैं भी नहीं जानता कि विप्रो आपकी ज्वाइनिंग कब कराएगी। इवन एचआर डोंट नो कि वो आपकी ज्वाइनिंग कब कराने वाली है। यार मैं सिंपली बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उस कंपनी में ज्वाइनिंग कभी ना हो जिसका आप बहुत लंबे टाइम से ऑनबोर्डिंग के उसके ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी ज्वाइन, आपको ज्वाइनिंग कराने में 3-4 मंथ्स लगा दे। बिकॉज कुछ भी पॉसिबल है, किसी को कुछ नहीं पता है। यहां तक कि हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट से उनके ऑफर लेटर को विदड्रॉ कर लिया गया है, उनके ऑफर लेटर को विदड्रॉ कर लिया गया है कुछ भी रीजन दे करके। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप किस बेसिस पे किसी एक कंपनी के ज्वाइनिंग का, ऑनबोर्डिंग का इतने लंबे लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो? किस बेसिस पे कैसे आप किसी एक कंपनी में इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो जबकि ये कंपनीज कुछ भी कर सकती हैं, इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। यार यदि इसके सोल्यूशन की बात करें तो इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि आप यदि किसी एक कंपनी को क्रैक कर लिए, उसका ऑफर लेटर आपको मिल गया, तो आप इंटरव्यू यार देते रहो, आप पढ़ते रहो और इंटरव्यू देना कंटिन्यू रखो अनटिल एंड अनलेस कि आपकी किसी एक कंपनी में फुल्ली अच्छे से ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक आप यार इंटरव्यू देते रहो। आप इंटरव्यू देना बंद मत करो कोई एक ऑफर लेटर लेकर के, बिकॉज यार ऑफर लेटर मिल जाने से ये कहीं गारंटी नहीं हो जाता है कि वो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग करा ही देगी। हो सकता है काफी ज्यादा लेट कर दे ज्वाइन कराने में, हो सकता है कि वो आपको ज्वाइनिंग ना कराए, हो सकता है कि वो आपसे ऑफर लेटर विदड्रॉ कर ले कुछ भी ऐसा वैसा रीजन दे करके। तो ये सारे केसेस यार बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये सारा एडवाइस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें यार बस विप्रो पे अप्लाई नहीं होती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं उन सब पे अप्लाई होती है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से ये सारे प्रॉब्लम सुनने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया और इसका सोल्यूशन भी बताया कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है जो किसी कैंडिडेट के फेवर में होगा। तो दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।